नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 9:30 का है साथ और आई करते हैं टीटी की बात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं यूपी टीटी एंड सीटेट की तैयारी तो स्टडी फॉर विन ऐसे भी चैनल्स पे भारी। यहाँ पे आपको शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास, रात में 9:30 बजे टारगेट टेस्ट सीरीज़ और सुबह 10 बजे मैथ्स, संस्कृत एंड इंग्लिश के वीडियोज़ लेक्चर और वीडियोज़ के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज SCERT पैटर्न पे बेस्ड वीडियोस के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको मिलने लगेंगे। और टाइमिंग को बिल्कुल आप याद रखिए, कल रात में 9:30 बजे मैंने आपको पर्यावरण और पारिस्थिति के 35 महत्वपूर्ण शब्दावली बताई थी, ये उसी का सेकेंड पार्ट है। आज मैं आपको 35 जो आपकी बची हुई और शब्दावली उनके बारे में बताऊंगा। इन शब्दावली में से ये बिल्कुल निश्चित है कि आपको आपके TET के एग्ज़ाम में शब्दावली मिलनी ही मिलनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। SCERT पैटर्न में ये सारी शब्दावली बहुत ज़्यादा रिपीट हुई हैं, इसलिए वीडियो को आप रेगुलरली देखिए और वीडियोज़ को आप कम्प्लीटली वॉच करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला जो शब्दावली है, वो पहली शब्दावली है शिशु मृत्यु दर। प्रति 1,000 शिशुओं में एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है पुनर्वास, विस्थापित लोगों को आवास देना अथवा बिगड़े हुए पारिस्थितिक तंत्र को दोबारा स्थापित करना आपका कहलाता है पुनर्वास। इसका मतलब होता है पुनर्वास का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब है पुनः प्लस आवास या पुनः प्लस वास, तो ये होता है पुनर्वास यानी पुनः आवास को स्थापित करना। लवणता, जल अथवा मृदा में उपस्थित घुलनशील लवण कहते हैं लवणता। सैनिटरी लैंडफिल, अपशिष्ट पदार्थ के विसर्जन वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका कह रहता है सैनिटरी लैंडफिल। द्वितीय प्रदूषक, दो या दो से अधिक प्राथमिक प्रदूषकों के मिलने से जो प्रदूषक बनता है, जो क्या करता है आपका प्रदूषण करता है, उसे कहते हैं द्वितीय प्रदूषक। अवमल, अवजल से निकला गया ठोस अपशिष्ट क्या कहलाता है आपका अवमल। धातु की, धातुओं के निष्कर्षण एवं शुद्धिकरण की विधि आपकी क्या है धातु की, या से कहते हैं धात्वीकरण। प्रजाति, जीव जो आनुवंशिक रूप से समान और अपनी प्रजाति में प्रजनन करे उसे हम कहते हैं प्रजाति। सतत विकास, संसाधनों की बुद्धिमत्ता से उपयोग ताकि उनके स्रोत भविष्य की पीढ़ियों को भी उपलब्ध हों, इसे कहते हैं सतत या क्रमिक विकास। उत्सर्जन, पौधों द्वारा जल का निकास, ये होता है आपका उत्सर्जन। समताप मंडल, पृथ्वी की सतह के नज़दीक उपस्थित वायुमंडल का क्षेत्र जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान और दाब क्या होते हैं आपके घटते हैं, उसे हम कहते हैं समताप मंडल। टुंड्रा, ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पे क्या आपके वृक्ष नहीं है, ये क्या है ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवों पर ये पाए जाते हैं और जहाँ पे आपके क्या वृक्ष नहीं है। अजैविक मतलब निर्जीव। ओके, आयु संरचना, किसी जनसंख्या की बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था में महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत क्या होता है आयु संरचना, बहुत बार पूछा गया है याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं जो वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। तो क्या आपके जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपका होता है SO2 और NO2 और ये वर्षा के जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ऑक्सीजनित, ऑक्सीजन के सहारे जीवित रहने वाले जीव। अनऑक्सीजनित, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहने वाले जीव क्या होते हैं अनऑक्सीजनित। वायु प्रदूषण, वायुमंडल में सामान्य से अधिक जहरीली गैस, ऊष्मा व शोर की उपस्थिति जो मनुष्य पशु व पौधों के लिए हानिकारक है क्या होती है वायु प्रदूषण। अल्फा कण, धनावेशित पदार्थ, ये क्या है धनावेशित पदार्थ होते हैं जो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं अल्फा कण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले
और ही ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए, और हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स लेके आए, नए नए क्वेश्चंस लेके आए जो आपके एस सी आर टी पे बेस्ड हो। ठीक है, वार्षिक वर्ष में एक बार होने वाला। जलाशय क्या है? अवसादों अथवा चट्टानों की पारगम्य सतह जिस पर क्या पानी एकत्रित हो कहलाता है जलाशय। शुष्क मतलब सूखा, ड्राई वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु का जो आवरण है वो आपका कहलाता है वायुमंडल। स्वयंपोषी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे आपके क्या होते हैं स्वयंपोषी। धुंध सूक्ष्म कणों और बूंदों का मिश्रण जो वायु में क्या हो निलंबित हो। मानव आपका जनित जो मानव निर्मित हो। जैव सांद्रण बहुत बार पूछा गया है, शरीर में अपघटित ना होने वाले पदार्थों का एकत्र होना क्या कहलाता है जैव सांद्रण। अपघटनीय सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ। जैव विविधता वनस्पति प्राणी एवं सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों की विविधता आपकी कहलाती है जैव विविधता। जैव भौमिक परिसंचरण जीवों वायु जल एवं मृदा में पदार्थों का चक्रण क्या कहलाता है जैव भौमिक परिसंचरण। जैव भौगोलिक क्षेत्र विशेष जलवायु जल एवं भूमि संसाधनों का क्षेत्र जैव भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। बीटा समृद्धता विभिन्न आवासों में प्रजाति विविधता, इसको कहते हैं बीटा समृद्धता। बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बीटा समृद्धता विभिन्न आवासों में प्रजाति विविधता। जैव भार जीवों द्वारा उत्पादित जैविक पदार्थ आपका क्या कहलाता है जैव भार, ये भी बहुत बार पूछा गया है। बायोम विशाल एवं स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र जिसकी जलवायु मृदा जीव जंतु एवं वनस्पति क्या हो विशिष्टों से कहते हैं बायोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा कि विशाल एवं स्थानीय क्या पारिस्थितिक तंत्र जिसकी जलवायु मृदा जीव जंतु वनस्पति सभी कुछ क्या हो बहुत ही विशिष्ट हो। पारिस्थितिक वंशक्रम ये होता है आपका समय के साथ एक प्रजाति द्वारा दूसरी प्रजाति को विस्थापित करने की क्रिया कहलाती है पारिस्थितिक वंशक्रम। पारिस्थितिक तंत्र जैव समुदाय और भौतिक पर्यावरण के बीच भोजन एवं ऊर्जा का आदान प्रदान है पारिस्थितिक तंत्र। पर्यावरण हमारे चारों ओर उपस्थित जीव एवं भौतिक पर्यावरण जो परस्पर क्रिया करते रहते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज के आपके बचे हुए 35 शब्दावली जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र और आपके पर्यावरण से संबंधित थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे उन्हें वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहे। जिन्होंने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं चैनल पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे सारे वीडियोस आप देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वीडियोस जो आपको बताए गए हैं, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं और बताई जाएंगी सब कुछ आपकी SCERT बेस्ड है, इसलिए वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करिए। रेगुलरली वीडियोस को देखिए और कम्प्लीटली आप वीडियोस को देखिए। हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारा जो नंबर है 9496369356 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम के स्पेशल ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और अपनी TET यानी UP TET और CTET की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं हमारे स्पेशल नोट्स और हमारी स्पेशल PDF के साथ। इसकी फ़ीस है केवल 200 रुपीज़ जो आपको केवल वन टाइम पे करनी है। 200 रुपये दीजिए, सही चुनिए, अभी चुनिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, कल फिर रात में 9:30 बजे मिलते हैं कुछ नए फैक्ट्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।